नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं अजय किशन ब्लॉग। तो दोस्तों, हम गए थे, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम एक जन से मिलने जा रहे हैं, तो उनसे हम मिल चुके हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे से हमारी खातिरदारी किए, सेवा पानी किए, चाय नाश्ता बनाए, पानी भी पिलाए, खाना भी खिलाए। तो दोस्तों, उनसे मिलने के बाद उनसे मैं बोला था कि एक वीडियो बना लूँ, तो बोलते हैं कि नहीं, मेरा वीडियो मत बनाइए, इसके लिए मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों, मैं उनसे मिलने के बाद अभी मैं घर के लिए निकल चुका हूँ। तो अभी दोपहर के करीब 2:30 बज रहे हैं दोस्तों, तो मैं वहाँ से निकल चुका हूँ रिटर्निंग पे। तो ये देख सकते हैं दोपहर का व्यू है। दोपहर बोले तो दोस्तों 2:30 बज रहा है, तो दोपहर और शाम के बीच का ही टाइम है, तो शाम ही समझ लीजिए, शाम होने ही वाली है। तो दोस्तों, रोड एकदम खाली खाली है एकदम दोस्तों, रोड पे कोई गाड़ियाँ नहीं है, एकदम रोड क्लीन है। और बहुत ही एक देख दोस्तों, आप ऐसा मत करिए, एक बाइक पे 4-5 लोग मत बैठिए, 3 लोग ही बहुत होते हैं। अगर आपके साथ आप हैं, आपकी फैमिली और 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे हैं तो। लेकिन बड़े बड़े अगर आप लोग हैं, तो एक बाइक पे कोशिश करिए कि 2 से 3 लोग ही बैठें, 2 लोग और 1 छोटा बच्चा बैठें, 3 से 4 लोग ना बैठें, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है दोस्तों बाइक पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं ऐसा करूँगा, आप हमारी बात को समझेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो मेरा छोटा वाला बाबू था, उसको थोड़ा हॉस्पिटल पे भी दिखाना था, तो यहाँ से डायरेक्टली अभी हम जाएंगे हॉस्पिटल पे, उसको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और प्यारा व्यू है। तो दोस्तों, हम उनके घर से अब सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल चुके हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये गांव के साइड में जो यहाँ भी ईंट पताता है, वो चिमनी है, उसको भट्टा भी बहुत लोग बोलते हैं। तो अगर आप किस शहर से हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके तरफ जो ईंट होता है घर बनाने के लिए, वो किस चीज़ का बनता है। इस तरह का ईंट हम लोग के जो तरफ भट्टे से निकलता है, ऐसा ही मिलता है या किसी और तरह का मिलता है? क्योंकि शहरों में कुछ अलग ही टाइप का होता है, मैं देखा हूँ। तो दोस्तों, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हम आपको ऐसे ही हमेशा घूमने फिरने की वीडियो लाते रहेंगे। तो देख सकते थे दोस्तों, पीछे जो 3-4 लोग खड़े थे, वो शायद हमें लग रहा है बस वगैरह का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो चुका है दोस्तों, हम कहीं रास्ते में कहीं पानी लेंगे, क्योंकि हमारी जो बच्ची है उसको थोड़ा प्यास टाइप का लग रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, आगे कहीं मिलता है दुकान वगैरह तो ले लेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं अभी हम लोग रास्ते में हैं, जा रहे हैं। गाइस, कैसा लग रहा है व्यू, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे जो गांव टाइप के जो आउट एरिया हैं, गांव से थोड़ा बाहर है, गांव और शहर को जो कनेक्ट करते हैं वो रास्ते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा व्यू है इधर का। तो दोस्तों, देख सकते हैं जा रहे हैं। तो गाइस, क्या होता है कि गांव के लोग जो होते हैं, रोड के किनारे ही फुहारा रख देते हैं और गोबर वगैरह रख देते हैं। थोड़ा उनको इस चीज़ का सावधानी रखना चाहिए कि रोड के किनारे ना रखें, रोड से थोड़ी दूरी बना के रखें, ताकि क्या होता है कि रात वगैरह में कोई गाड़ी अगर ओवरटेक कर रही है, तो लोग साइड वगैरह देने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पूरा लोग रखते हैं रोड पे एकदम चिपका के, और ऑटो मेरे साइड से निकला है। तो गाइस, क्या होता है, इसमें थोड़ा सा रिस्क बना रहता है। आपसे अगर कोई गांव का वीडियो देख रहे हैं कोई आदमी या भाई और बहन, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें आप थोड़ा सा। अगर आपके घर के सामने रोड है और रोड है, तो कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए कि रोड पे न रखें चिपका के, एकदम थोड़ा सा
दूरी बना के रखें कम से कम 10 मीटर की, ताकि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना हो। तो गाइस मैं ये बात कहना चाहूँगा, तो अभी देख सकते हैं जो रोड के किनारे अभी कुछ पौधे लगे हुए हैं जो गवर्नमेंट ने लगवाया हुआ है, हमारी सरकार ने, तो ये कुछ दिन में पौधे बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा छाया देंगे, ताकि हर यात्री चलने वाला रोड पे किसी को धूप वगैरह न लगे। तो दोस्तों अभी हम रास्ते में हैं, पहुंचने ही वाले हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में हम कुछ दिखाने वाले हैं आपको। तो हमारे इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, और टाइम भी मैं देख रहा हूँ तो करीब 2:45 होने वाले हैं, क्योंकि 3 बजे तक पहुँचना है हमें। अगर 3 बजे नहीं पहुँचेंगे तो डॉक्टर साहब उठ जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी, फिर अगले दिन आना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए जा रहे हैं, नॉर्मली जा रहे हैं, कोई ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन 20-30-40 की स्पीड में जा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ के जो दुकानें हैं, किस तरह की दुकानें हैं यहाँ पे, ऊँची ऊँची बिल्डिंग नहीं होती है गाँव में, नॉर्मली 1 या 2 मंजिले मकान होते हैं, उसी में दुकानें होती हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं खेतों का व्यू कैसा है, रोड के किनारे काफी ईंट पत्थर लगे हुए हैं। अरे भाई साइकिल तो अलग ही स्पीड में चला रहे हैं, इनका तो बात ही अलग है। यहाँ पे लोग गोबर भी फाड़ दिए हैं साइड में, चिपरी वगैरह पूरा फिर रख दिए रोड के किनारे चिपका के। दोस्तों तो मैं एक बार अब कहना चाहूँगा, जिनका भी घर होता है रोड के किनारे, प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि हमेशा रिस्क बना रहता है। तो गाइस हम लोग बहुत ही अच्छा फील आ रही है, हल्की हल्की ठंडी का मौसम है, ये दिसंबर का महीना है दोस्तों, हल्का हल्का धूप लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, क्योंकि ठंडी भी नहीं लग रही है और धूप का मज़ा भी आ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो दोस्तों देखिए भैया जो थे रॉन्ग साइड आ गए बाइक लेके, प्लीज़ दोस्तों आप ऐसा मत करिए। अगर आपका जो रोड है, अगर आपको जाना है तो यू टर्न मार लीजिए आगे से, ऐसा ना करें कि आप उल्टा रॉन्ग साइड ही चल दें, ताकि अगर सामने से कोई आ रहा है तो उसको प्रॉब्लम आ जाए। रॉन्ग साइड में क्या होता है दोस्तों, कभी अचानक से आपको ध्यान नहीं देंगे, आपको लगेगा कि हमें तो हमारा साइड है, हमको सीधा जाना ही है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर ध्यान भटकाएंगे, देखिए भाई साहब ट्रक आगे ही ला दिए। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा रिस्क बना रहेगा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। थोड़ा सा आप चौकन्ना गाड़ी चला रहे हैं तो सामने ही ध्यान दीजिए, अगल बगल मत देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय हिंद।